हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम एक और इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे SDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो किसी एक इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लीकेट करते हैं। अब अगर हम बात करें SDFC सेंसेक्स फंड के बारे में, तो ये सेंसेक्स के जो इंडेक्स है उसके पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लीकेट करता है। ये फंड मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी जो एक्सपेंस रेशियो वो काफी कम है और ट्रैकिंग एरर भी इसका ज्यादा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इस फंड की डिटेल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये एक इंडेक्स फंड है और ये जो मेजरली अपना पैसा है ये सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज है उसमें लगाता है। बेसिकली ये सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसको अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट यहां पर करता है। तो इस पोर्टफोलियो में भी 30 स्टॉक्स आ जाते हैं इस फंड के। और अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो ये एक पैसिवली इन्वेस्ट करता है फंड, पैसिव इन्वेस्टमेंट को ये यहाँ पर फॉलो करता है। अब आइए दोस्तों एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा से कि इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें इंडेक्स फंड्स की, तो ये बेसिकली एक मार्केट के इंडेक्स को रेप्लीकेट करते हैं, उसकी जितनी भी कंपनीज होती है उसको अपने पोर्टफोलियो में रेप्लीकेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि उस इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न ये नहीं देंगे, उस इंडेक्स से कम 1-1.5% रिटर्न ये कम ही यहाँ पर आपको जनरेट करके देंगे। अब इसकी अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए इजी है, आपको स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको पता होना चाहिए फंड मैनेजर कौन सा है और रिस्क रेशियोज क्या है, वो सबकी नॉलेज आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। और दूसरा ये लो कॉस्ट होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो फंड्स होते हैं इनकी जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो एक्टिव फंड से कंपैरेटिवली कम होती है। अब अगर हम इस फंड की डिटेल में बात करें, तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। और अगर हम बात करें इसके फंड साइज की, तो ये 2000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में ये अच्छी बात होती है जितना भी ज़्यादा फंड साइज हो, जैसे कि हम पहले बात करते थे कि जो एक्टिव फंड होता है अगर उसका 20-25 हज़ार करोड़ का फंड साइज हो जाता है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि इंडेक्स फंड जितना ज़्यादा फंड साइज होता है उतना ही अच्छा रहता है। अब अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो इसकी एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.1% है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि यही एक इंडेक्स फंड की खासियत है कि इनकी जो एक्सपेंस रेशो है वह एक्टिव फंड से काफ़ी कम आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करें SIP पे, तो अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मिनिमम 300 रुपये से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब अगर हम बात करें इसकी एग्जिट लोड की, तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 3 दिन के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 3 दिन के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। दोस्तों ये भी एक खासियत है इन फंड्स की कि एग्जिट लोड एक एक साल में नहीं लगता है, जैसे एक्टिव फंड्स में मोस्टली हम देखते हैं सिर्फ 3 दिन तक आपको ये पैसा रखना है और उसके बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार कि जो सेंसेक्स का इंडेक्स है उसकी जो सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके सेक्टर्स पे बात करें, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में है। यहाँ पे 42% जो सेक्टर है सेंसेक्स में वो फाइनेंशियल है। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 18.5%, और एनर्जी सेक्टर 14.5% के आसपास है। वहीं FMCG और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 8.5% और 4.5% के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कंपनीज टॉप 10 कौन सी हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रखती है 12%, वहीं HDFC बैंक भी 11.5% के आसपास यहाँ वेटेज है, और इन्फोसिस का जो वेटेज है वो 9% के आसपास है। उसी तरह HDFC बैंक है वो 8% के आसपास है, ICICI बैंक भी 7.5% है, TCS 6%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.5%, HUL भी 4%, उसी तरह ITC और एक्सिस बैंक 3-3.5% के आसपास वेटेज यहाँ पर सेंसेक्स में लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स की जो ये 30 कंपनीज हैं वो सारी ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं, और ये भी सारी कंपनीज हम देख सकते हैं आराम से, सारी ही लार्ज कैप बढ़िया अच्छी कंपनीज हैं। इसलिए इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने में थोड़ा रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी नेगेटिव रिटर्न एक लंबे टाइम में देना काफ़ी कम चांसेस होते हैं। हालांकि चांसेस इनमें भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली
चांसेस यहाँ पर कम होते हैं। तो बेसिकली ये लो रिस्क लो रिटर्न काइंड ऑफ अ फंड यहाँ पर माना जा सकता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो अगर हम SDFC इंडेक्स में आपने 10,000 रुपये पे इन्वेस्टमेंट की होती तो वो 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट एक साल में 15,500 रुपये हो गई है, यानी कि 54% की रिटर्न, और 2 सालों में 12,500 रुपये हो गई है। और 3 सालों में अगर आपने 3 साल पहले आज से इसमें वन टाइम 10,000 रुपये डाले होते तो वो पैसा आपका 14,000 रुपये हो गया, यानी कि 3 सालों में इसने 43% की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में लगभग इसने आपका डाला हुआ पैसा डबल कर दिया है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये आपके इस फंड ने 26,000 रुपये के आसपास बना दिए हैं। तो दोस्तों इसने अगर हम 8 सालों में देखते हैं लगभग 160% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है, जो कि अच्छी रिटर्न है। लेकिन वहीं पे यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको यहाँ पर इनको मिड कैप या स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उनका रिस्क भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर डूबने का पैसा ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेरेटिव टू एक इंडेक्स फंड जो लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने SIP इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर SIP शुरू कराई होती तो 1 सालों में आपकी लगाए हुए 12,000 रुपये पे इस फंड ने आपने 14,500 रुपये बना दिया है। वहीं 2 सालों में 24,000 की आपकी लागत लगभग 30,000 रुपये इस फंड ने कर दी है, और उसी तरह 3 सालों में आपके लगाए हुए 36,000 रुपये इस फंड ने 46,000 रुपये बना दिए हैं। वहीं अगर आप 5 सालों से इस फंड में SIP करा रहे हुए हैं तो 60,000 की आपकी लागत को इस फंड ने 86,000 रुपये बना दिया है। तो दोस्तों इस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है, 10-12-15% के यहाँ पे रिटर्न हमें दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करने बैठेंगे तो शायद आपको वो रिटर्न कम देखेगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस फंड को उनसे कंपेयर नहीं करना है, फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न कि ये जो फंड्स है ये लो रिस्क वाले फंड होते हैं, और जो SIP वाले हम बाकी फंड्स देखते हैं जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टोरल फंड्स, इनका जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको रिस्क भी समझना ज़रूरी है, सिर्फ रिटर्न देख के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी फंड में। तो दोस्तों अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और आप कम रिस्क लेकर कम रिटर्न से भी खुश हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो और रिस्क भी लेना है तो आप इंडेक्स फंड में यहां पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इन्वेस्ट करना। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।